पूरी दुनिया के शेयर बाजार गिर चुके हैं। चीन का शेयर बाजार मंदी के बाद सबसे बुरा दौर देख रहा है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोरोना के चलते चीन में 2020 के फरवरी में ही प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज में भारी गिरावट आ गई। चीन में उत्पादन में आई कमी का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। इससे भारत की इकोनॉमी को करीब 34.8 करोड़ डॉलर तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। OECD ने कोरोना की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को 2009 के बाद सबसे धीमी रफ्तार से बढ़ने का अंदेशा लगाया है। चीन में कारों की बिक्री में 92% तक गिरावट आ गई है। US की इकोनॉमी 28% तक क्रैश कर चुकी है। डाउ जोन्स तकरीबन 29,000 से गिरकर 20,000 के आसपास पहुंच चुका है, यानी 9,000 की गिरावट। अमेरिका का शेयर बाजार 1987 के बाद सबसे बुरी गिरावट के दौर को देख रहा है। यूरोपियन शेयर मार्केट में $125 बिलियन डूब चुका है। कोरोना की दहशत ने ग्लोबल मार्केट की पूरी तरह कमर तोड़ दी है। भारत में पिछले 15 दिनों में शेयर बाजार में 4000 पॉइंट गिरावट आ चुकी है। कोरोना से दुनिया धीरे धीरे तबाह होती जा रही है। चीन अभी भी लॉकडाउन है। अमेरिका की हालत खराब होती जा रही है, जहां 500 से ज्यादा कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो गई और हर दिन कोरोना से प्रभावित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। सोने में 7 सालों में सबसे बड़ी गिरावट आ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.2% रहने का अनुमान था, लेकिन अब उसे घटाकर 5.1% कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को करीब $35 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक विमानन उद्योग को यात्रियों से होने वाले कारोबार में कम से कम $63 अरब का नुकसान हो सकता है। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में करीब 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं और पिछले 5 दिनों से पूरा भारत लॉकडाउन है। भारत में इससे ऑटो उद्योग में आर्थिक मंदी या सुस्ती आ सकती है। इससे पहले ये उद्योग सुस्ती के दौर से गुजर रहा था। IPL पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तय तारीख से IPL को आगे बढ़ाना पड़ा और इसे 15 अप्रैल से करने का फैसला किया गया, लेकिन अब इस पर भी रद्द होने का खतरा है। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है अगर IPL अब रद्द हुआ तो। भारतीय शेयर बाजार डूबने की वजह से 30 लाख करोड़ से ज्यादा डूब चुके हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस, इन सभी 6 देशों के शेयर बाजार की हालत रिकॉर्ड गिरावट देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 40-50% बिजनेस चीनी कंपनियों पर आधारित था। मोबाइल फोन 80-85% सिर्फ चीन पर निर्भर थे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का 20-30% तक बिजनेस चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन के लॉकडाउन होने के 1.5 महीने होने वाले हैं और इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसका नुकसान सीधा भारत उठा रहा है।